अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 में जो आपने डिफ टैग पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस है। तीनों तरीक़ों से लिखा है। पहले डिफ टैग को हमने सिंपल भी लिख के देख लिया, ठीक है। उसके बाद डिफ टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर और अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट भी यूज़ किया, और तीसरे नंबर पर हमने डिफ टैग के अंदर बॉर्डर को यूज़ करते हुए आपके सामने सामने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्टली वही कोड किया, जैसे कि ये देखिए आप सेकंड डिफ टैग देख रहे हैं, ये हमने एग्जीक्यूट किया है तो पीछे ब्राउज़र के अंदर हमें ऑरेंज कलर की पट्टी और उसके अंदर टेक्स्ट जो है सेंट्रली अलाइन नज़र आ रहा है। इस तरह नीचे वाला अगर आप डिफ टैग देखो तो उसके अंदर बॉर्डर हमने 1 पिक्सल का बॉर्डर रखा था सॉलिड ब्लैक, तो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पर बॉर्डर के साथ नज़र आ रहा है। लेक्चर नंबर 8 आपका। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 के एंड पे हम लोगों ने लिस्ट को टॉपिक को स्टार्ट किया था। ऑर्डर हम लोगों ने लिस्ट पढ़ ली थी, ठीक है। उसी से रिवाइज करते हुए आगे आज अपना टॉपिक लेके चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमारे पास HTML में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के या लिस्ट को बनाने के या लिस्ट को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, 3। एक कौन से वाला, ऑर्डर्ड वाला जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसे रिवाइज भी कर लेंगे। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक आपके पास डेफिनेशन लिस्ट होती है, ठीक है। तीन किस्म की लिस्टें आप लोग क्रिएट करते हैं। दो से तकरीबन आप लोग फेमिलियर हो गए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट से, ठीक है। तीसरे वाली क्या है इसके बारे में भी आज स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है आप लोग, ठीक है, यूज टू मेक द ऑर्डर लिस्ट इन विच सीक्वेंशियल ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। कि आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस में आना, तरतीब में लिखना क्या करता है, जहां पर मैटर करता है वहां पर ऑर्डर लिस्ट बनाते हो। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपने कौन से दो टैग पढ़े थे कि आपको OL का टैग यूज करना होता है, ऑर्डर लिस्ट OL का टैग होता है, पेयर टैग यूज करना होता है अलोंग विद किसके, LI के। LI वाला आपके पास टैग क्या करता है, लिस्ट बनाता है, और OL जो टैग होता है वो उसे क्या करता है, ऑर्डर फॉर्म में क्रिएट कर देता है या डिस्प्ले करवाता है, उसके साथ नंबरिंग, उसके बाद अल्फाबेट, ठीक है, यूनिक नंबर या यूनिक अल्फाबेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट भी यूज होते हैं, उनको भी आज साथ में देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। दूसरी आपके पास अनऑर्डर लिस्ट होती है, ये कहां पे यूज होती है, कहता है इट इज यूज्ड टू मेक द अनऑर्डर लिस्ट इन विच वी कैन रिप्रेजेंट डाटा रैंडमली, कंटेंट रैंडमली, जहां पे वो जो मर्जी तरतीब मैटर नहीं करती, जेरी मर्जी चीज होते आधे जेरी मर्जी चीज हमने लिख दो, बाद चीज तो पहले लिख दो, बस वो चीज आपके पास लिखना क्या होता है, रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी तरतीब मैटर नहीं करती, वहां पे हम लोग अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है, उसी तरह ऑर्डर लिस्ट की तरह यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए अन, ठीक है, अनऑर्डर के लिए यू और लिस्ट से एल, ठीक है। तो यूएल का टैग यूज करते हैं अलॉन्ग विद LI, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही मामला है, LI आपके पास क्या करेगा, आपके पास लिस्ट को क्रिएट करता है जबकि UL जो है उसे अनऑर्डर फॉर्म में आपके पास क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि ये जो दोनों होते हैं ऑर्डर वाले और अनऑर्डर लिस्ट, दोनों जो होती हैं ये नेस्टेड भी हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे लेट सपोज आप लोग के टॉपिक पढ़े टॉपिक नंबर 1, ठीक है, टॉपिक नंबर 1 क्या है, हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट कितने जी, 2, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भी, वहां पे 1 के अंदर लिख देते हो सॉफ्टवेयर, 2 के अंदर लिख देते हो हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आगे 2 तरह के होते हैं, ये सब हेडिंग होती है, इसे हम नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है, सब हेडिंग को। तो आपने इस पहले वाले के अंदर क्या करना है, मजीद 2 पॉइंट को डिस्प्ले कराना है, तो वहां पर नेस्टिंग लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो क्या होता है पहले के पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर भी फर्दर हार्डवेयर के कितने की 5 कंपोनेंट आपके, बेसिकली 5 या वैसे 6 भी होते हैं, कहीं पर 6 रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कहीं पर 5 लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बुक के मुख्तलिफ बुक के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, ठीक है। आपसे IIT के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी लेक्चर्स आए अपलोडेड हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, आप लोग ने शायद खुद से पहले कभी ना कभी अपनी स्टडी के दौरान पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या होता है जी, लेट सपोज आप लोगों ने क्या कहना, हार्डवेयर के आगे सब हेडिंग जो है उनको भी रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग उनको उसी लेवल पे नहीं बल्कि उससे जरा आगे सब हेडिंग के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका लिस्ट का नंबर 2 दिया है तो 2.1 2.2 2.3 दे देते हैं सब हेडिंग, या इसका 1 और 2 दिया हुआ है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को तो इनकी टाइप को ABC या रोमन गिनती में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोगों को नेस्टेड लिस्ट को क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए भी यही वाले आपके पास क्या होते हैं, टैग यूज होते हैं, बस हम लोग इसे सब पार्ट के तौर पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये भी देखते हैं आप एग्जाम्पल के अंदर, उससे पहले एग्जाम्पल पे जाने से पहले, ठीक है, टैग को बनाकर इस्तेमाल करने से पहले हम लोग एक तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि लिस्ट नहीं भी होकर लिस्ट का ही पार्ट है, ठीक है, इसे डेफिनेशन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है।
कहता है इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टू लिस्ट, ये ऑर्डर और अनऑर्डर का प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट है, ये उस तरह की लिस्ट नहीं है, ठीक है। कहते हैं कैन नॉट लिस्ट आइटम, ये आइटम को लिस्ट आउट नहीं करती, बट फिर करती क्या है, कहता है लिस्ट द टर्म एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। जैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पर क्या करना चाहते हो, आप लोग कोई टॉपिक लिखते हो कंप्यूटर के बारे में लिखते हो या सॉफ्टवेयर के बारे में, आप लोग सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करके उसकी डेफिनेशन को आगे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, हार्डवेयर लिख के उसके आगे डेफिनेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हो, इस तरह की लिस्टिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेशन लिस्टिंग जहां पे रिप्रेजेंट करनी है वहां पे हम लोग DLA टैग को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके आपके पास क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, स्टार्ट होता है ये DL से, ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास फर्दर दो हिस्से होते हैं, DT का और एक DD का। DT से मुराद होता है आपके पास डेफिनेशन टर्म से, ठीक है, या इसके टाइटल से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, जो कि DD होता है, ये आपके पास क्या होता है, जो आपने टर्म लिखी है कंप्यूटर लिखे या सॉफ्टवेयर लिखे उसकी जो डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए DD यूज करते हैं, और DD स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो DD का टैग यूज करोगे, डेफिनेशन का टाइटल या उसके टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो DT का आप लोग क्या करते हो, टैग इस्तेमाल किया करते हो, ठीक है। आए अब इसे एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली भी देखते हैं, आप करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास मैंने एग्जांपल लिखी है ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए लिखी है, ठीक है, इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट को और डेफिनेशन लिस्ट को, उन दोनों को भी आज ही हम लोग क्या करेंगे, कोड लिख कर वर्किंग उसकी रिप्रेजेंट करके देखेंगे, चला के देखेंगे किस तरह से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले वही ये जो ब्लैक कलर में आपके पास टैग लिखेंगे वो है जिनके बगैर आपका कोड नहीं चलना, जो आप लोग लाजमी लिखते हो, ठीक है। HTML से आप लोग अपना कोड स्टार्ट करते हो, HTML से आप लोग क्या करते हो, बंद करते हो। HTML के अंदर एक हेड वाला पार्ट होता है और HTML के अंदर एक बॉडी। हेड के अंदर आप लोग तीन तरह की चीजें लिखते हो, टाइटल लिखते हो, स्क्रिप्शन स्क्रिप्ट लिखते हो और स्टाइलिंग, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोगों ने स्टाइलिंग को स्टार्ट नहीं किया, CSS जो सी है हम लोगों ने अभी अलग से बनाना, ठीक है, हेड वाले पार्ट ने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए अभी इसे यूज नहीं कर रहे, ठीक है। बॉडी के अंदर आप लोगों ने पैराग्राफ हेडिंग वगैरह पढ़ ली है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, एक हेडिंग का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने वैल्यू लिख दी है ऑर्डर लिस्ट। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट है आपके पास H1 के तौर पर, ठीक है, हेडिंग 1 लेवल 1 की हेडिंग के तौर पे क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद मैंने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे क्या करना है, जो एलिमेंट को लिस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करना है उन्हें LI के अंदर लिखना है। ऑर्डर लिस्ट यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहां पे ये मेरे पास स्टार्ट हो रही है, यहां पे आके खत्म हो रही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने पहला अपना एलिमेंट लिखा, ठीक है, ठीक है, LI से लेकर LI तक आप लोग ने दोनों पेयर्ड के दरमियान में लिखना है, ठीक है। किसी बुक में एंडिंग में लिखा होता किसी में नहीं लिखना, आप लोगों ने इसे अवॉइड करना है, आप लोगों ने पेयर्ड की फॉर्म को ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने इसके दरमियान में C++ लिख दिया, दूसरा एलिमेंट जो है दूसरा अपना लिस्ट का जो एलिमेंट लिखा वो क्या लिख दिया, जावा लिख दिया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नेस्टेड का टॉपिक भी यूज किया, देखिए नेस्टिंग किस तरह कर रहा हूं। तीसरा एलिमेंट मैंने शुरू किया, लेकिन इसमें वैल्यू लिखने की बजाय मैंने क्या किया, दोबारा से देखिए मैंने क्या किया, इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट लगा दी। तीसरा एलिमेंट यहां पर स्टार्ट करके यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास खत्म कर रहा हूं, यहां से एलिमेंट तीसरे वाला एलिमेंट यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रहा है, उसके दरमियान में मैंने दोबारा से क्या किया, एक नई लिस्ट बना दी है, ऑर्डर लिस्ट बना दी है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लिख दिए। तो क्या होगा, पहले वाला एलिमेंट जब ये कोड रन होगा, ठीक है, टाइटल जो होगा आपके पास वेब पेज के ऊपर अपने ब्राउजर के ऊपर टाइटल में ऊपर नजर आ जाएगा, बॉडी के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट नजर आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी और लिस्ट का पहला एलिमेंट C++ आपके पास नजर आएगा। बाय डिफॉल्ट आपके पास नंबर गिनती प्रिंट होती है, ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो एट्रीब्यूट यूज करते हुए, वो भी मैंने यहाँ पे आपको साथ साथ बताता हूँ। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या होगा, ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, ठीक है, नंबर लिखे, दूसरा जावा लिखा है तो जावा आपके पास रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरे एलिमेंट में मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से अंदर उसके क्या किया, लिस्ट क्रिएट किया, तो ये क्या होगी, उसके सब पार्ट के तौर पर रिप्रेजेंट होगा। और इसमें मैंने क्या किया, देखिए आपके पास एट्रीब्यूट भी OL के अंदर, यहां पे तो OL में एट्रीब्यूट नहीं यूज किया, यहां पे आपके पास यूज किया है, एट्रीब्यूट का नाम है टाइप और वैल्यूज क्या दी है, ए। तो ये क्या करेगा, अब बजाय इसको 1 2 3 गिनती से स्टार्ट करने के आपके पास क्या करेगा, ABC छोटी ABC से क्या करेगा, स्टार्ट लेकर आपको सुन चलेगा। तो अंदर मैंने क्या किया, दो एलिमेंट रखे हैं इस OL के अंदर, दो एलिमेंट,
एक ऊप और एक एंड्रॉइड, ठीक है। तो आपके भाई किस तरह रिप्रेजेंट होंगे, ये जरा आगे सब पार्ट के तौर पर रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि टाइप इज इक्वल टू मैंने ए लिखा है तो इसके स्टार्ट में क्या होगा, ए लिखा आएगा। अगर मैं यहां पे स्टार्ट में क्या लिखूं, टाइप की वैल्यू जो है कैपिटल ए दे दूं, तो यहां पे मेरे पास क्या नजर आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी। अगर मैं यहां पे आई लिख दूं रोमन गिनती के तौर पर, तो यहां पे मेरे पास क्या नजर आएगा आपको, आई और या आई। और याद रहे आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड में नहीं, ऊपर भी चाहे तो यूज कर सकते। मैं यहां पे चाहे तो टाइप लिख दूं और टाइप इज इक्वल टू क्या लिखूं, ए, ठीक है, टैग बंद। तो मेरे पास यहां पे क्या लिखाएगा, ए, और यहां पे क्या लिखाएगा, बी, ठीक है। और यहां पे कुछ नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, गिनती प्रिंट होती है, यहां पे क्या लिखा आ जाएगा मेरे पास, वन, और यहां पे क्या लिखा आ जाएगा, टू। लेकिन मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, छोटी एबीसी दिखाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, पर्टिकुलरली टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो ये स्मॉल ए से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा, अगले एलिमेंट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्मॉल बी आपके पास हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक ये मसला। अब कुछ प्रॉब्लम में ये वैल्यू को नहीं भी पिक करता, वहां पे आप लोगों को क्या करता है, अपने इन वैल्यूज के लिखने के लिए डबल कोटेशंस को भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। किसी में बाइंड पर उठा लेता है, किसी में आप लोगों के पास नहीं भी उठाता, तो नंबर को तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर एबीसी वगैरह लिखे तो आप लोग टाइप के आगे जो वैल्यू दें तो उसे आपने क्या करना है, डबल कोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, जैसे आप लोग बाकी अपने एट्रीब्यूट में करते आए हो, कि जो भी एट्रीब्यूट लिखते हो उसकी वैल्यू को डबल कोटेशन में लिखते थे, तो इन वैल्यूज को भी डबल कोटेशन में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और गिनती के मामले में चीज नहीं भी करोगे, यानी कि सिंपल गिनती वगैरह दिखाना चाहते हो, वन टू थ्री, वहां पे आप डबल कोटेशन नहीं भी डालोगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट का कोड आ गया, ठीक है। तो आपके पास पहले हेडिंग के तौर पे रिप्रेजेंट हो गया, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हुई सी सी प्लस, ठीक है, जावा लिखा आ गया, अगर मान लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, वन डॉट, यहाँ पे टू डॉट, आगे एक और लिस्ट क्रिएट की, क्या आ गया, पहले वाली ऑर्डर लिस्ट अभी तक खत्म नहीं ना हुई, पहली ऑर्डर लिस्ट तो यहाँ पे जाके खत्म होनी है, तो आगे वाली जो ऑर्डर लिस्ट हमने बनाई है वो क्या होगी, इस ऑर्डर लिस्ट का सब पार्ट कहलाएगा, नेस्टेड पार्ट का पार्ट कहलाएगा, तो ये इसके अंदर बनेगा। किसके बाद बनेगा, जावा के बाद लिखा है ना, जावा के बाद लिस्ट में लगा के लिखा है, जावा के बाद अगली क्या होगी आपकी, सब लिस्ट बन के आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने टाइप दी हुई है वो लिखी आ जाएगी, अगर आप लोग टाइप वाला एट्रीब्यूट नहीं यूज करते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, आपके पास गिनती वगैरह रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। ऊप लिखा है ऊपर आ जाएगा, एंड्रॉइड लिखा है एंड्रॉइड, ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बंद होगी, ठीक है। और ये लिस्ट वाला एलिमेंट भी खत्म हो गया, इसका मतलब ये वाले पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये वाला भी मैंने बंद कर दिया, ठीक है, ये वाला भी पार्ट मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बॉडी भी खत्म, एचटीएमएल का आपका पार्ट भी खत्म, ठीक है। अब मूव करते हैं अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, अब बात कर लेते हैं अनऑर्डर की। अनऑर्डर के लिए मैंने सिर्फ छोटी सी चेंजिंग की, ओएल की जगह यूएल लिख दिया, ओएल की जगह यूएल लिख दिया, ओएल की जगह यूएल और ओएल की जगह यूएल कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारे पास अनऑर्डर यानी कि ये क्या करेगा, यूनिक नंबर या अल्फाबेट के साथ ये हमारे पास क्या करेगा, लिस्ट में आके नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके पास क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास डॉट के साथ लिस्ट को डिस्प्ले कराता है। आप उस डॉट के जगह फर्दर और भी वैल्यू दिखा सकते हो, आप लोग स्क्वायर बॉक्स बना के दिखाना चाहते हो, सर्कल या कोई और सिंबल, तो आप लोग पर्टिकुलरली वो वाली वैल्यू लिख के भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डॉट की बजाय आपके पास क्या करना चाहता हूँ, स्क्वायर डिब्बा दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, एट्रीब्यूट टाइप डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखना होगा, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर, ठीक है, एट्रीब्यूट वन। अब ये क्या करेगा, नीचे लिखे हुए जो दोनों के दोनों आपके हैं लिस्ट के एलिमेंट, दोनों के स्टार्ट में क्या दिखाएगा, डिब्बा, ठीक है, और सब है उसके अंदर कोई टाइप नहीं ना दी, उनके साथ क्या लगा देगा, डॉट। लेट सपोज आप उनको सर्कल में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको क्या लिखना है, टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन में लिख देता हूं सर्कल, तो यहाँ पे आपके पास डॉट की जगह क्या बनाएगा, सर्कल बने आ गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या नंबरिंग नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपके पास स्टार्ट और एंडिंग आपके पास क्या करती है, मैटर नहीं करती। एक मिनट ठहरो, चार पता चल जाएगा इसमें, ओके। तो मैंने टाइप में क्या लिख दिया, सर्कल, तो जब आपके पास डिस्प्ले होगा क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, सर्कल बने आ जाएंगे सब वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। ये तो नेस्टिंग आपको साथ साथ करा रहा हूँ, नेस्टिंग लिखना जरूरी नहीं है, ये तो आपको बस प्रैक्टिस के लिए। लेट्स सपोज मैं ये वाला एलिमेंट उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। मजीद भी मैंने इसके एलिमेंट दिखाना चाहता हूँ, मजीद जितने भी एलिमेंट पढ़ाना चाहता हूँ,
li का टैग लिखता था, ठीक है, li का टैग क्या करता था, क्लोज करता था, तो मेरे पास उतने एलिमेंट क्या होते जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले होते जाएंगे। रुको जरा, पानी लगे, कुछ नहीं लिखा नहीं जाता। जितने आप एलिमेंट लिखना चाहते हैं उतने आप लोग li का टैग लगा के उतने एलिमेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। जब आपके एलिमेंट पूरे होते हैं अपने ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो चीजें लिखी होंगी सारी की सारी आपके पास क्या हो जाएंगी, अनऑर्डर की ऑर्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी जो भी टैग लिखा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सी शार्प लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके पास डॉट नेट लिख देता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, पहले स्क्वायर का डिब्बा आपके पास रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पे आपके पास सी शार्प आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डॉट नेट आ जाएगा। इस तरह से आपके पास क्या होता है, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। आइए हम तीसरे वाली लिस्ट को भी देख लेते हैं। ये हम लोगों ने अब आपके पास क्या कर दिए, डीएल वाला डेफिनेशन इस पर आपके पास टैग को लिस्ट को यूज किया है। ये अब हमने आपके पास क्या कर दिए, डेफिनेशन लिस्ट वाले टैग को जो है यूज किया है, ठीक है। याद रहे मैंने बताया था डीएल जो है डाटा सॉरी डेफिनेशन लिस्ट जो है ये अलोंग विद टू टैग यूज होती है। कौन से टैग थे, एक डीटी और एक डीडी, ठीक है। डीटी के अंदर आप लोग क्या करते हैं, अपनी वो टर्म अपना वो टाइटल लिखते हो जिसको आप लोग जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिखना चाह रहे होते हो, और डीडी के अंदर आप लोग उसकी डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन को क्या करते हो, बयान करते हो, ठीक है। तो जब डीएल के अंदर आपको ये यूज करने होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, डाटा डेफिनेशन टर्म को लिखते हो, टाइटल को लिखते हो, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन को लिखते हो, और फिर अपने डीएल वाले पार्ट को क्लोज कर देते हो। जब ये चलेगा तो आपके पास कुछ यू नजर आएगा, क्योंकि ये हेडिंग है तो हेडिंग आपको बड़ी और बोल्ड नजर आएगी, ठीक है। जो डीटी के अंदर लिखा होगा वो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, कुछ इस तरह से टाइटल के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। और उसकी जो डेफिनेशन है वो अगर आपके पास क्या होगा, एक स्टैंडर्ड वर्ड का गैप छोड़ते हुए आगे की तारीफ क्या होगी, सारी की सारी डिस्प्ले होगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या करती है, तीसरे वाली लिस्ट करती है, ठीक है। इसको ये जरूर एक बार पर्टिकुलर इसे प्रैक्टिकली चला के देखेगा, इसे परफॉर्म करके देखेगा, ठीक है। इसके बारे में कोई चीज ना समझ आए तो ये चीज कुछ नहीं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके पास कौन सा है ना वीडियो थोड़ी सी, इसमें आपके पास राइट साइड पे ब्राउज़र चल रहा है, लेफ्ट साइड पे नोट पैड ओपन है। इसके अंदर आपने अभी जो कोड देखा है उसे मैंने ऑर्डर कोड लिखा है सर, ठीक है। सिंपल भी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है, और नेस्टेड फॉर्म में भी ऑर्डर लिस्ट को मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर क्रिएट किया हुआ। सबसे पहले ऊपर आपने हमने हेड के अंदर जो टाइटल लिखा था ये हमारे पास राइट साइड पर ब्राउज़र के ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है। फिर बॉडी में आके हमने क्या किया, ये सारा कोड लिखा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ब्राउज़र की बॉडी में नज़र आ रहा है। इस तरह से आप अनऑर्डर लिस्ट के टैग को सिंपल और नेस्टेड में भी ट्राई, और साथ में डेफिनेशन लिस्ट को भी ट्राई की थे अपने तौर पे, और किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।